Hello, good afternoon, learners. Uh, so, I am Priyanki, and today we are going to learn about depreciation, uh, which is a senior secondary course in accountancy. Now, uh, we will talk about the limitations of SLM, Straight Line Method, difficulty in computation. Machines uh, uh, life span अलग -अलग तो कॉम्पिटेशन और डेप्रिशिएटेड एंड डेप्रीशिएशन ऑन ईच मशीन्स विल है सारे मशीन्स का हमें अलग अलग करके डेप्रीशिएशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर हमारे पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं तो सो डिफिकल्टी इन कॉम्पिटेशन नेक्स्ट इज इलॉजिकल इट इज वेल नोन्ट द एक्सपेंस इंडटेन्स इनक्रीज एज द एसे अगर एसेट्स uh, जो है हमारे uh, uh, मतलब बहुत टाइम तक अगर हम uh, रख रहे हैं उसे रिपेयर करा रहे हैं तो उसमें चार्ज काफी लग जाते हैं दस द टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिप्रीशिएशन प्लस रिपेयर एक्सपेंस इज मोर देन इन लेटर ईयर इन कंपैरिजन। सो इट बिकम्स वेरी इलॉजिकल टू कैलकुलेट लाइक दिस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द विद्जाम्पल कि कैसे हम एस एल मेथर्ड के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसे समझते हैं हम फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन एप्रिल टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड फोर्टीन में अगर कोई मशीन परचेज हो रही है वन लैक की हुज लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी टेन ईयर्स जिसका की लाइफ टेन ईयर्स एक्सपेक्ट करते हैं तो इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ टेन ईयर वॉज 10000 10000 इज स्क्रैप उसकी स्क्रैप वैल्यू है तो हाउ यू विल कैलकुलेट द फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड टू पीएनएल अकाउंट एवरी ईयर एंड नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड ऑन एवरी ईयर सो यू हाउ यू विल कैलकुलेट दिस फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द बेसिक डिटेल्स Which are given here. जैसे कि हमने मशीन कब परचेज की अप्रैल में परचेज की वन लाख रुपीज की परचेज की और उसकी जो एस्टिमेटेड ईयर है वो टेन ईयर्स है और उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो टेन थाउजेंड है तो ये पहले आप एक जगह नोट डाउन करेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला है इसके लिए जिससे आप आगे कैल्कुलेट कर सकते हैं सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज एनुअल डेप्रीशिएशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ मशीन कॉस्ट इंक्लूड्स द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू उसकी जो दी हुई थी वो स्क्रैप वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन तो हमें एनुअल डेप्रीशियन कैसे कैलकुलेट करनी है पहले हमारे पास बेसिक डिटेल्स हम जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम पहले एक जगह जॉट डाउन कर लेंगे और जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे क्वेश्चन में है कि वन लाख ,00 की मशीन थी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है कि टेन थाउजेंड की स्क्रैप वैल्यू थी और टोटल लाइफ जो है वो टेन थी तो हमारी एनुअल डेप्रिशिएशन कितनी निकल गई नाइन थाउजेंड निकल गई इट इज क्लियर टू यू नेक्स्ट इज रेट ऑफ डेप्रीशियन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हियर इज द फॉर रेट रेट ऑफ ऑफ यू कैन नोट इट डाउन लर्नर्स फॉर्मुलाशन इज इक्वल टू अमाउंट एनुअल डेप्रीशिएशन अमाउंट इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ मशीन जैसा कि हमने अभी वहां पे एनुअल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया नाइन थाउजेंड 9000 इन 100 डिवाइडेड बाई वन लैख दट इज नाइन परसेंट इसमें डेप्रीशिएशन चार्ज हो रही है इस इसको कैलकुलेट करने में द रेट ऑफ डेप्रीशियेशन इज नाइन परसेंट नेक्स्ट इलास्ट्रेशन इज सलमान एंड उस्मान रोज एक्वायर्ड अ मशीन इन जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व में इन ब्रदर्स ने मिलकर मशीन एक्वायर किया विच वॉज सेवेंटी थाउजेंड एंड उसपे स्पेंड किया इन्होंने फॉर इंस्टॉलेशन किसी भी मशीन को हम लाते हैं हैं तो तो उसे इंस्टॉल करते इंस्टॉलेशन का चार्ज है तो भी इसमें इंक्लूड होगा नाउ द फर्म्स राइट ऑफ द इसमें दिशिएशन का रेट दिया हुआ है, 10 के चार्ज होनी है. इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें करना है ये हमारे क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है और द बुक्स आर क्लोज ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट ये हमें जरूर पढ़ना है लास्ट लाइन की कब बुक हमारी क्लोज हो रही है uh, क्या वो दिसंबर थर्टी फर्स्ट को क्लोज हो रही है या फिर मार्च में क्लोज हो रही है तो बुक इज क्लोजिंग ऑन दिसंबर थर्टी फर्स्ट एवरी ईयर नाउ यू हैव टू शो द मशीनरी एंड डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर थ्री ईयर्स तो हमें मशीनरी अकाउंट फॉर थ्री ईयर्स बनानी होगी और डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना होगा यहां हमें दो चीजें प्रिपेयर करनी होगी सोल्व दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें जो भी बेसिक बेसिक डिटेल्स हमारे क्वेश्चन में दी रहती है हमें जॉट डाउन करना है उसे जैसे कि कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज सेवेंटी थाउजेंड देन द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वॉज ऑल्सो देयर जो कि हमारा फाइव थाउजेंड था तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो गया रेट ऑफ इज टेन परसेंट डेप्रीशियन पे चार्ज होना है तो annual depreciation will be 10 of तो का 10 हम निकालेंगे। द बुक ऑफ अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट में हम, अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो हमें मशीनरी अकाउंट पहले बनानी है थ्री इयर्स के लिए फिर हमें हम बनाएंगे डेप्रीशिएशन अकाउंट तो अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट फॉर डेट 2012, 2012, 13, 14, थ्री के लिए हमें बनाना है तो 2012 से टू 13 to 14 टू 14 to 15 फिफ्टीन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस नाउ इन जुलाई सबसे पहले तो हमें हमारे पास जितना कॉस्ट ऑफ मशीनरी था वो हम 75,000 फाइव थाउजेंड यहाँ मैंशन किए प्लस जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट था वो हमारा 5,000 आ गया दैट इज 75,000. and now the depreciation will be cha charged here in the credit side. the depreciation is 75,000. we 10%. 10% is depreciation charge. so 10 by 100. 10 by 100, you can write it down now for the year. now, read it in the question. question, mein kya -kya hai? july 1st, 2012, say december 31st. so how many months? six months. so six divided by 12. तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करके हमारा अमाउंट क्या निकल कर आ रहा है 3,750। तो द बैलेंस अमाउंट इज़ 75,000 माइनस 3,750 डाइड इज़ 71,250। तो हम इस तरीके से निकालेंगे यहां पे मशीनरी अकाउंट में रेट ऑफ़ डेप्रीशन। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड इट हियर. नाउ अगेन फिर दूसरे साल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे 2013 के लिए यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वो 2012 का कैलकुलेशन था 2013 के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो जो बैलेंस अमाउंट है वो कैरी कैरी फॉरवर्ड हो गया और वो यहां पे आ गया सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी जो ये जो हमारा बैलेंस अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आकर हम राइट हैंड साइड में सेवेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी लिखते हैं और अब हम इस पर फिर से डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि हर साल हमें तीन साल तक डेप्रीशियशन चार्ज करना है तो अगर हम इस पर डेप्रीशियशन चार्ज करते हैं तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टेन बाई हंड्रेड यहाँ पे मंथ तो पूरा है ट्वेल्व मंथ तो इसमें हम कोई भी मंथ आगे नहीं लिखकर इसमें सेवेंटी फाइव हंड्रेड हमारा आ गया जो हमारा है, वो है, का. तो वो अगेन कैरी फॉरवर्ड होकर रिकॉर्ड करते हैं एंड नेक्स्ट हम फिर से डेप्रीशियशन uh, जो है वो डिडक्ट uh, वो अप्लाई करते हैं फोर टू थाउजेंड फोर्टीन दैट इज सेवन फाइव थाउजेंड इंटू टेन बाई 100, 10 के हिसाब से हम उसमें चार्ज करते हैं लर्नर्स और फिर वो कैलकुलेट होके सेवेंटी फाइव हंड्रेड आ जाता है तो हमारा बैलेंस जो है वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी बचता है आई होप दिस इज क्लियर टू यू तो मशीनरी अकाउंट हमने बना लिया अब हम बनाते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट लर्नर्स सो फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट तो मशीनरी अकाउंट से हमारे पास जो अमाउंट बच वहां पे जो बच रहा था वो जो हमारे पास अमाउंट हमने जो कैलकुलेट किया था डेप्रीशिएशन का वो थ्री थाउजेंड से टू दिसंबर अगेन थाउजेंड थर्टीन में मशीनरी का जो अ, अ, जो अमाउंट कैलकुलेट किया वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया और सेम एज इट इज हमारा दिसंबर थर्टी फर्स्ट में भी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आया फोर लर्नर्स ये जो पी अकाउंट में फिर हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टू uh, थाउजेंड के लिए वहां रिकॉर्ड हो गया क्रेडिट साइड देन भी सेवेंटी फाइव 7500 हमने इसे डेप्रीशिएशन अकाउंट में अपना रिकॉर्ड कर लिया तो ये बेसिकली हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री कर ली नाउ आई होप कि एस मेथड आपको क्लियर है नाउ यू यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन

अंडर दिस मेथड एज वैल्यू ऑफ एसिड गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएवरी ईयर इज ऑन गोइंग टू ऑन द डिक्लाइनिंग रेट द डेप्रीशिएशन विल भी चार्ज ऑन डिक्लाइनिंग रेट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी मशीन परचेज करी तो जैसा मैंने उसमें भी एग्जाम्पल दिया था लाइक फाइव लैक्स की हमने कोई मशीन परचेज की तो एस एल एम मेथड में हम क्या करते थे कि टेन परसेंट उसका एवरी ईयर जो है वो डेप्रीशिएशन चार्ज होता था ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन बट हियर आपको क्या करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लाइक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इसमें हम क्या करते हैं जो कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे हम नहीं चार्ज करते हैं डिप्रीशियन बल्कि फर्स्ट ईयर पे तो टोटल कॉस्ट पे चार्ज होता है अगेन नेक्स्ट ईयर पे जो टोटल हमारे पास बचती है अमाउंट जो डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ दैट एसेट जो हमारे पास बचती है उस पर अगेन हम चार्ज करते हैं डिप्रीशिएशन सो द अमाउंट ऑफ द्रीशिएशन इज चार्ज एवरी ईयर

कि इसे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से करना है तो उसे सेम uh, या डाउन वैल्यू मेथड से करना है तो ये वन एंड द सेम थिंग है इसके दो बस नाम है तो हम इसी तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे ऑल्सो इसकी वैल्यू जो है कभी जीरो नहीं आती बिकॉज वोड हमेशा डिक्लाइनिंग रेट पे ही कैलकुलेट होती है हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं लर्नर्स अ मशीन वॉज परचेज ऑन जनवरी टू थाउजेंड इलेवन लाख रुपए की मशीन परचेज होती है और उसकी लाइफ जो होती है वो टेन so uh, uh, वापस से सेल करते हैं विल बी रियालाइज फ्रॉम इट इट इज मशीन एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो हम इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करेंगे और इसमें हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर ड्यूरिंग ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस मशीन तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से और ईच ईयर इसका कैलकुलेट करना है हमें सो लर्नर्स हियर फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2020 10% चार्ज हो रहा है तो आप यहां नोटिस करेंगे कि लाइक like एसएलएम में हमारा क्या होता था कि जो टोटल कॉस्ट थी 1 लाख Uh, की मशीन थी हमारी तो टोटल कॉस्ट पे हम टेन परसेंट चार्ज करके एवरी ईयर हम टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही चार्ज करते थे बट हियर जब हम एक लाख पे फर्स्ट ईयर चार्ज किए तो दैट इज कमिंग अराउंड टेन थाउजेंड अगेन इट इज चार्ज टेन परसेंट ऑन द टेन थाउजेंड एंड इट गोज ऑन तो वो टोटल कॉस्ट पे नहीं चार्ज होती है वो डिक्लाइनिंग रेट पे चार्ज होती है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मेरिट्स ऑफ डेमिनेशिंग बैलेंस मेथड इज इक्वल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल बर्डन रहता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसका द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एसेट इज मोर हेंस इट इज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफिट इज रेलिटिवली ग्रेटर देअ फॉर द कॉस्ट चार्ज इन द टर्म्स ऑफ डेप्रीशियेशन इन द इनिशियल ईयर इज ग्रेटर इन ग्रेटर ईयर डेप्रीशियेशन जो है वो चार्ज होता है लेस और रिपेयर एंड एक्सपेंस जो है वो ज्यादा लगती है hence, टोटल बर्डन ऑफ डिप्रिशिएशन प्लस रिपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस पी एन एल अकाउंट के कहीं ना कहीं इक्वल रहती है इसका क्या होता है? ये होता है? है ये कि इसकी वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो पाती है क्योंकि वो डिमिनिशिंग वैल्यू में कैलकुलेट होती है तो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाती अगर वो टेन परसेंट एक लाख पे ही जैसे चार्ज होती रहती तो ओवर अ टाइम वो वैल्यू जीरो हो जाती है आफ्टर टेन ईयर बट हियर एसेट के नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ अंडर दिस मैथड्यू ऑफ एसेट इज नॉट रिड्यूस टू जीरो ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसमें कैलकुलेट करने में अंडर दिस मेथड द रेट ऑफ डेप्रीशिएशन के नॉट बी डिटर्माइंड ईजली याद है हमने जो एस एल एम में हमने जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकाली थी वो बहुत ईजिली निकल आई थी हमारी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर्मूला से बट हियर इट इज डिफिकल्ट रेट ऑफ डेपरिशिएशन ना विद दी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंटरप्राइज परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर वर्थ रुपीज वन लैख ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व हियर यू हैव टू नोट द डेट ऑल्सो दीरियड वेन द मशीन वॉज परचेज टू ये अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेल्व में मशीन परचेज की गई चार्ज करनी है हमारे को ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन परचेज एडिशनल मशीन फॉर फोर्टी थाउजेंड और फर्स्ट जनवरी को क्या हुआ की टू थाउजेंड फिफ्टीन में वो एडिशनल मशीनरी भी परचेज कर लिए फोर्टी थाउजेंड का नाउ कैलकुलेट द मशीनरी अकाउंट हमें शो करना है एंडिंग अप टू दर्टी फर्स्ट मार्च टू अगेन तीन साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है uh, और थर्टी फर्स्ट मार्च तक ये एंड कर रहा है और अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने बनाया टू बैंक जो भी हमने परचेज किया टोटल कॉस्ट यहाँ हमारे मशीन की आ गई दैट इज वर्थ रुपीज वन लैक नाउ अब इसमें डेशन हम कैसे चार्ज करेंगे जैसा कि आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट अक्टूबर 2012 लिखा हुआ है तो 2012 का भी हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं लर्नर्स तो 2012 में हम डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट अक्टूबर से हमने कैलकुलेट किया टिल थर्टी मार्च 2015 तो हाउ मेनी मंथ्स दैट इज कमिंग अराउंड सिक्स मंथ तो सिक्स बाय ट्वेल्व एंड ट्वेंटी के हिसाब से हमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन चार्ज करना है That is coming around 20 by 100. So, 1 lakh into 20 divided by 100 into 6 by 12. So, the amount of depreciation is coming around 10,000 and the total balance which is left over with us is 90,000. So, learners, here uh, by this method we are going to calculate the rate, uh, calculate the depreciation. Now, again.

चार्ज करते हैं और ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ डेप्रीशियन चार्ज होकर हमारे पास टोटल वैल्यू जो है वो आ, हमारे पास नाउ द बैलेंस इज सेवेंटी टू थाउजेंड तो एटीन थाउजेंड जो है हमारा डेप्रीशियशन इसमें कैलकुलेट होकर हमारे पास बैलेंस लेफ्ट ओवर इज नाउ सेवेंटी टू थाउजेंड नाउ लर्नर्स प्लांट एंड मशीनरी का हम टू थाउजेंड फिफ्टीन का अकाउंट बना रहे हैं उसमें हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 72000 जो हमारे बैलेंस जो यहां पे लेफ्ट ओवर हुई थी वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ गई 72000 एंड नाउ नोटेड डाउन कि इन 2015 यू कैन सी द क्वेश्चन देयर एडिशनल मशीनरी वाज परचेस्ड सो पहले तो हम 20% ऑफ 72000 निकालते हैं जो हमारा uh, द, uh, पहले का जो कैरी आउट बैलेंस था वो फॉरवर्ड होकर के 20% उसमें हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन

लर्नस लर्नर्स फोर्टी 40,000 फॉर थ्री मंथ्स लेकिन इसमें भी डेप्रिशिएशन जो था उसका रेट क्या था 20% परसेंट चार्ज हो रहा था 20% परसेंट ऑफ 40,000 थाउजेंड फॉर थ्री मंथस तो इट इज कमिंग अराउंड इट इज कमिंग अराउंड टू थाउजेंड तो अगेन द टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड इट इज कमिंग अराउंड सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाव लर्नर्स अब हम डिडक्ट करते हैं और हमारा टोटल वैल्यू जो है वो बैलेंस बचता है हमारे पास नाइनटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसकी टोटल करने के बाद नाव लर्नर्स प्लांट एंड मशीनरी जो हम टू थाउजेंड सिक्सटीन का रिकॉर्ड बनाते हैं वो इस तरीके से बैलेंस जो है नाइन्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमारा इधर आ गया अब डिप्रीशिएशन जो ट्वेंटी थाउजेंड वन टी एंड सेवेंटी फोर हंड्रेड एंड एटी तो हमारा इस तरीके से प्लांट एंड मशीनरी बन गया नाउ आई होप द एस मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड की भी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको समझ आई और उस uh, आप इलेट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे नाउ लर्नर्स वी वी कैन नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन एस मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑल्सो लर्नर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क Or, if you have any query, we can resolve it and we can also understand the distinction between these two. Have you any queries, learners? So, you can uh, go through the formulas, you can jot it down the formulas. You can go through the formulas and you can try to resolve the question. You can you, you, can try to solve the illustration. You can also go through the chapters. Now, the distinction between SLM and diminishing balance method is depreciation is calculated on the cost of asset. Like I have said you, ki SLM method mein cost of uh, uh, jo total cost of machinery, hoti hai, usi pe depreciation calculate calculated and डिमिनिशिंग uh, में क्या होती है कि वो फर्स्ट ईयर पे उस पर कैलकुलेट होती है आफ्टर डैट जो रिमेनिंग अमाउंट रहती जाती है उसी पे फिर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होती जाती है जैसे कि हमने देखा था कि अगर एक लाख का मशीनरी है तो पहले टेन परसेंट से चार्ज हुआ था डेप्रीशिएशन टेन थाउजेंड आया था उसके बाद फिर उसके ऊपर टेन थाउजेंड के ऊपर ही फिर चार्ज होता गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रीशिएशन नाउ नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन विल रिमेन सेम फॉर ऑल इयर्स एस एन एम मेथड में हमने देखा था कि सेम था सारे ईयर्स में जो डेप्रीशिएशन का रेट था और जो अमाउंट आ रहा था क्योंकि वो एक लाख पे जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी उसी पर चार्ज हो रही थी तो अमाउंट सेम आ रहा था बट हियर इन द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड द अमाउंट केप्ट ऑन रिड्यूजिंग ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मेथड द वैल्यू वॉज आफ्टर द एंड द वैल्यू बिकम्स जीरो बट इन diminishing value method, the value cannot be zero learners. Also the combined cost of the account of depreciation repairs lowers in the initial years and remain more and more or less equal higher in the uh, later years. But here the combined cost on the account of depreciation repair and repairs remains more or less equal throughout the period. So this is the basic differences between SLM method and WDB method. A written down value method so uh, learners i hope you have understood this lesson and uh, you can go through the uh, formulas you can jot it down the formulas and you can try to resolve uh, the questions if you have any doubt you can ask me the questions or anything which is not clear to you you can uh, ask your queries So, learners, do you have any doubt or we can end uh, our session here? Uh, you can go through the formulas, you can write it down the formulas and you can try to resolve, you can try to calculate the depreciation, you can try both the method, which is SLM method and WDB method. Uh, so, if you have any doubt, you can write it back to us uh, on the chat box. Uh, so, thank you, learners.